नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल, चैनल नंबर 9, और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरैक्शन में। और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि हम आज का ये लाइव इंटरैक्शन यानी कि ये सेशन लेकर आए हैं 9th स्टैंडर्ड के साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। और डियर लर्नर्स, हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़रूरी टॉपिक है। चाहे आप 9th के स्टूडेंट हो या ना हो, आपको इस चीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक संपदा के बारे में यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। और नेचुरल रिसोर्सेज हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या होते हैं प्राकृतिक संपदा यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज, क्या ये सीमित होते हैं या फिर ये असीमित मात्रा में हमें मिलते हैं, आपको बताएंगे हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए उनसे परिचय लेते हैं। आप हैं श्री सुशील कुमार, आप पीजीटी बायोलॉजी है केंद्रीय विद्यालय एम्बेसी ऑफ इंडिया काठमांडू नेपाल से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेरी वार्म वेलकम। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार जी। और अपने सभी देखने वाले विद्यार्थियों को हम बता दें कि अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा हो, आप नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं या फिर आप ही अपना कोई बात या अनुभव हमसे साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559, या फिर आप हमें ईमेल के माध्यम से भी अपनी बात और अपना फीडबैक पहुँचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class9@cit.nic.in। इस पूरे सत्र की डिटेल के साथ, इस टॉपिक के साथ और हमारे एक्सपर्ट के साथ आप अपना फीडबैक ज़रूर पहुंचाएं। तो चलिए हम सीधे पहुंचते हैं अपने एक्सपर्ट के पास। और सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है प्राकृतिक संपदा यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। हम इनके बिना अपने जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्या कुछ खास और विशेष आप हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे सर। बिल्कुल मैडम, हमारे बच्चों को प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक संपदा के बारे में जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वर्तमान समय में बहुत सारी ऐसी पर्यावरणीय परिस्थितियां हो रही हैं या एंथ्रोपोजेनिक अर्थात मैनमेड एक्टिविटी हो रही है जिनकी वजह से ये प्राकृतिक संपदा या प्राकृतिक संसाधन छिन्न भिन्न होते जा रहे हैं। तो चलिए आज हम इस पूरे सेशन में अपने बच्चों को बताएंगे कि प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक संपदा क्या है और इनका हमारे आपके जीवन में क्या महत्व है और इनको बचाना क्यों इतना आवश्यक है। तो जैसा कि बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे कि नेचुरल रिसोर्सेस, मैंने आपके लिए छोटी सी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनाया है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, प्रकृति से हमें और आपको मिलने वाली चीज़ें। हम सब लोग बच्चों जानते हैं कि हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन विद्यमान है। पृथ्वी पर जीवन बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है, सो मेनी फैक्टर अफेक्टिंग लाइफ ऑन अवर अर्थ। हम यह भी जानते हैं कि जीवन के लिए परिवेश, ताप, जल तथा भोजन की आवश्यकता होती है जिसकी वजह से हम सब लोग इस धरती पर जिंदा रह पाते हैं या कोई भी जीवित जीव जंतु इस धरती पर जीवित रह पाता है। और हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर प्राकृतिक संपदा के रूप में, प्राकृतिक संसाधन के रूप में एक बहुत ही प्रेशियस रिसोर्स पानी भी पाया जाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध सभी प्रकार के जीवों की न्यूनतम मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो अल्टीमेट सोर्स है वो सन होता है। सन से हमें और आपको ऊर्जा मिलती है और पृथ्वी पर उपलब्ध जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं सन की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी संसाधन हमें प्रकृति से मिलते हैं, हमें और आपको जन्म लेते ही हमें और आपको गिफ्ट के रूप में मिलते हैं, उन संसाधनों को हम नेचुरल रिसोर्सेस या प्राकृतिक संपदा कहते हैं। और इन संपदा का हम लोग उपयोग करते हैं, चाहे पानी हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे सूरज की रोशनी हो, चाहे अलग प्रकार के खनिज पदार्थ जिन्हें मिनरल्स कहते हैं, और तो और लंग्स ऑफ द प्लेनेट जिन्हें हम फॉरेस्ट कहते हैं, और अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम और आप लोग उपयोग करते हैं अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए। जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं ये हमारी धरती पर जितने भी प्रकार के पाए जा रहे हैं, अगर हम इनकी बात करें बच्चों तो इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, इनको दो भागों में कर सकते हैं। एक तरफ उन नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संसाधनों को रख सकते हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, मतलब जिनको जब हम उपयोग कर लें उसके बाद जो उनकी कमी हो जाए वो पूरी हो जाती है, तो वो रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहलाते हैं। दूसरी तरफ वो रिसोर्सेस होते हैं, दूसरे प्रकार के प्राकृतिक संसाधन, वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं बच्चों
जो नॉन रिन्यूएबल हैं, मतलब धरती पे इनकी मात्रा सीमित है, हम और आप लोग इनको लालचवश एक प्रकार से बेइंतहा यूज करते जा रहे हैं, जहां जरूरत भी नहीं वहां भी कर रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी के लिए इसे छोड़ नहीं पा रहे। और यही कारण है कि ये संसाधन जब हम लोग उपयोग करते जा रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि कुछ समय के बाद ये संसाधन हमारे आपके धरती पर कम हो जाएंगे। तो ये प्रकृति पर पाए जाने वाली अलग अलग संपदा या संसाधन हैं, ये पानी हो सकता, वायु हो सकता है, और पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत, जिसको अभी हम लोग अभी चर्चा भी करेंगे, जिसे हम लिथोस्फीयर कहेंगे, अभी इस पर चर्चा करने जा रहे हैं, और इस पर आपको बताएंगे भी कि हमें किस किस प्रकार की संसाधन प्राप्त होती। इस स्लाइड में आप बच्चों देख पा रहे होंगे कि एयर, वाटर, सॉयल, प्लांट्स एंड एनिमल, ये कुछ इस प्रकार के संसाधन हैं जो रिन्यूएबल हैं, जो रिन्यू हो सकते हैं, जिनकी मात्रा अगर हमारे जब हम कंजप्शन करते हैं तो इनका उपयोग करते हैं तो इनकी मात्रा फुलफिल हो सकती है, रिप्लेनिश हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ उस कुछ प्रकार के संसाधन ऐसे हैं जैसे पेट्रोलियम, आप सब लोग जानते हैं कि पेट्रोलियम की मात्रा सीमित है हमारी धरती पर, और आज के दौर में जिस तेजी से हम लोग ऊर्जा के लिए पेट्रोलियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री के अंतर्गत जो वाहन आते हैं, हम और आप लोग अपनी सुविधाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसमें डीजल पेट्रोल या सीएनजी या केरोसिन ऑयल या जो भी हम उपयोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं से सीमित है। और यही कारण है कि इसे एक प्रकार से ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। जिस देश के पास आज की दौर में पेट्रोलियम जैसे संसाधन की मात्रा अच्छी मात्रा में है, तो वो काफ़ी रिच कंट्री कहला रहे हैं, उनकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के वो देश जहाँ पे पेट्रोलियम की मात्रा कम है, अर्थात ये जो पदार्थ हैं इनकी मात्रा कम है, तो उन्हें कहीं ना कहीं से ऊर्जा के दूसरे विकल्पों की तरफ अपने आप को सोचना पड़ रहा है। और ऐसे ही प्राकृतिक गैस जिसे नेचुरल गैस कहते हैं, कोल जिसे हम कोयला कहते हैं, और साथ में न्यूक्लियर एनर्जी भी एक एग्जाम्पल के रूप में आता है। तो अगर हम देखें तो हमारी धरती पर बच्चों, अगर हम कहें कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं, मतलब जिस धरती पर हम लोग रहते हैं वो लिथोस्फीयर के रूप में कहलाती है, स्थल मंडल कहते हैं। और पृथ्वी के लगभग 75% भाग पर, हम कह सकते हैं लगभग 71 से 75% भाग तक पानी पाया जाता है। और यही कारण है कि रेणु जी हमारी धरती को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि हमारी धरती पर 2/3 भाग से ज्यादा पानी है, और इसी पानी की वजह से हमारी धरती पर जीवन है, और हम इसी पानी का हम उपयोग अपनी अलग अलग चीजों में करते हैं। कुछ पानी ऐसा है जो भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, और इन सभी अब जो भी धरती के उस भाग को जिस पर पानी पाया जाता है उसे कह देते हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोवाइड मीन्स होता है बच्चों वाटर, तो धरती का वो भाग जिस पर पानी पाया जाता है उसे हाइड्रोस्फीयर या जल मंडल कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे हमारे जो जुड़े हैं वो जाने कि हाइड्रोस्फीयर को जल मंडल कहते हैं जी। इसके बाद हम अगर हम अपने धरती के एक हिस्से को देखें, वायु जो एयर जिसे हम कहते हैं, जो पूरी पृथ्वी को कंबल के समान ढके हुए है, ब्लैंकेट के रूप में ढके हुए है, पूरी अर्थ के चारों तरफ पाई जा रही है, एक प्रकार से धरती का वायुमंडल बनाती है। तो बच्चों ये समझ में आया होगा कि जिसको हम अंग्रेजी में एटमॉस्फियर कहते हैं, तो ये वायुमंडल जो ऐसा अवयव वायुमंडल जो होता है, इसमें जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म हैं ये वायुमंडल से बहुत सारी गैस का एक्सचेंज करते रहते हैं। तो ये जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जीवन को आश्रय देने वाली बहुत सारी, जीवन को फलीभूत कहने वाली, जीवन को सस्टेन कहने वाली बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं वायुमंडल में, और वो वायुमंडल हमारे आपको कहीं ना कहीं से मदद करता है। तो ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का यह घेरा जहाँ वायुमंडल, स्थल मंडल तथा जल मंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, तो उसे जीव मंडल अर्थात बायोस्फीयर के रूप में जाना जाता है। इस स्लाइड में बच्चे देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी का वो हिस्सा देख रहे होंगे इस स्लाइड में, एक कॉमन भाग आप देख रहे होंगे बायोस्फीयर के रूप में, जिसे हम कहते हैं कि जीवन का जब जो पृथ्वी का एक हिस्सा जो जहाँ पर वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल मिलके और जीवन को रहने योग्य जो संसाधन है वो प्रदान करते हैं, उसे हम कहीं ना कहीं से बायोस्फीयर
कहते हैं, जिसको हम जीव मंडल के रूप में भी जानते हैं हिंदी वाले बच्चे, तो हम कह सकते हैं कि लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ वेयर द एटमोस्फियर लिथोस्फियर एंड हाइड्रोस्फियर इंटरैक्ट टुगेदर इट इज नोन एज बायोस्फियर। सो अगर हम देखें वेणु जी, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये हमारे चारों तरफ जितने भी धरती पर कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो इसमें जो कह सकते हैं कि लिविंग थिंग जितनी भी हैं, जो जीवित ऑर्गेनिज्म हैं, वो बायोटिक कंपोनेंट कहलाती हैं। मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है और एक इकोसिस्टम का निर्माण करता है। इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, मतलब जीवित जीवधारी पाए जाते हैं और अजीवित भी पाए जाते हैं, मतलब एक दूसरे से वो इंटरेक्ट होते रहती है, मतलब रिलेशनशिप पाया जाता है बायोटिक कंपोनेंट और ये बायोटिक कंपोनेंट। जैसे मिसाल के रूप में मैं कहूँ रेणु जी की, बायोटिक कंपोनेंट के रूप में हम कह सकते हैं कि हरे भरे पौधे हो सकते हैं, प्रोटिस्ट एनिमल, फंगजाई, बैक्टीरिया, और ये सब ऑर्गेनिज्म में और आप भी हो सकते हैं रेणु जी, हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट है। और हम लोग नॉन बायोटिक कंपोनेंट, जैसे कि हम धरती पर पाए जाने वाले वाटर से के लिए आश्रित होते हैं, हमें एयर चाहिए, जीवन की श्वास जिससे बनी रहती वायु वो हमें चाहिए, एयर चाहिए। हमें ऊर्जा के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती, क्योंकि सूर्य से जो ऊर्जा मिलती वो कहीं ना कहीं से हमारे आपके जीवन का आधार बनती है, या हरे पौधे उस ऊर्जा की, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं और भोजन बनाते हैं, और उन पौधों के अलग अलग जो अवयवों को हम और आप लोग इस्तेमाल करते हैं। इस धरती पर जो मिट्टी पाई जाती है, सॉयल, सॉयल में अलग अलग प्रकार के पौधे ग्रो करती हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट में आता है। और अलग अलग मिनरल्स हैं, इन मिनरल से हम और आप लोग तमाम प्रकार की चीजों को बनाते हैं, ईजाद करते हैं, तो ये सब ए बायोटिक कंपोनेंट हुए। तो हम कह सकते हैं कि बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट मिलकर एक जीवन का आधार बनाते हैं, बायोस्फीयर में पाए जाते हैं, और ऐसे एक बायोस्फीयर में कई सारे इकोसिस्टम पाए जाते हैं, और हर इकोसिस्टम में कुछ लिविंग कंपोनेंट होते हैं, कुछ नॉन लिविंग। अगर हम एक एक करके बात करें, सर यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमने जाना अभी आपसे कि बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स पर निर्भर करते हैं, क्योंकि हमारा जीवन पूरी तरह से उन्हीं पर निर्भर है, चाहे हम लाइट की बात करें, पानी की बात करें, या फिर सॉइल की बात करें, एयर की बात करें। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे सर, अगर हम अपने आसपास की प्रकृति को देखें और प्राकृतिक बदलाव को देखें, तो हम पाते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का असर किस हद तक नेचुरल रिसोर्सेज पे पड़ा है या नहीं पड़ा है सर? अब बिल्कुल रेणु जी, जैसा कि हमने आपको अभी अपने बच्चों के साथ बताया था कि जो हमारी धरती पर हम और आप लोग जीव जंतु पाए जा रहे, इस धरती को चारों तरफ कंबल के रूप में, ब्लैंकेट के रूप में एक वायुमंडल ढके रहता है, एक वायुमंडल से ये घिरी रहती है, और उसे हम एटमॉस्फियर कहते हैं। और अगर हम देखें तो उस वायुमंडल में अलग अलग प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं, मतलब जो एयर है वो पाई जाती है, और एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये कुछ है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा वाटर वेपर और कुछ मात्रा में दूसरी गैस पाई जाती है। अगर हम कहें तो लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, लगभग 20% से थोड़ा सा ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, 0.004% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती, मतलब 1% से बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर वेपर और अदर गैस पाई जाती। लेकिन ये तो एक अच्छा स्वस्थ मतलब वायुमंडल हुआ, लेकिन जिस वायुमंडल में हम और आप लोग रह रहे हैं, जैसे आप अभी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, मैं काठमांडू से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ की भी वायु बहुत प्रदूषित है, बहुत प्रदूषण है यहाँ, आपके दिल्ली में भी ये स्थिति कमोवेश देखी जाती है। तो ये जो हवा है हमारे चारों तरफ, जब हम और आप लोग जो गतिविधियां करती हैं दिन रात, जो अपने फायदे के लिए या जो भी प्रकार के कार्य करते हैं, इस दौरान हम बहुत सारी गैस रिलीज करते हैं, मतलब जब हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, सब्जी हम जिस कार से आ रहे, जिस गाड़ी से आ रहे, या जो हमारे घरों में बिजली आ रही है तो कोयले जलाने से आ रही है, या गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल का उपयोग हो रहा है, तो ये सब को जब हम लोग उपयोग करते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कुछ मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी निकलती है, सल्फर पार्टिकल भी निकलते हैं, और कुछ मात्रा में ओजोन भी बनती है। तो ये जो हमारे वायुमंडल को प्रभावित करती, मतलब एयर का जो एक मिक्सचर है, ये गड़बड़ होता जा रहा है। तो विशेषकर कुछ ऐसी गैस होती हैं रेणु जी, जो कही जाती हैं ग्रीन हाउस गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड,
मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कुछ हद तक थोड़ी वाटर वेपर और सारी गैस, ये अगर धरती में ज्यादा मात्रा में, मतलब अगर हम 100 साल पहले की कल्पना करें तो उस समय हमारा बिल्कुल साफ स्वच्छ आकाश था और हमारे वातावरण में जो एक बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन था गैस का और हमारा जो तापमान था एवरेज धरती का तापमान 13-14 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन आज की डेट में धीरे धीरे धरती गर्म हो रही है, उसके पीछे कहा जा रहा है कि ये कुछ गैस हैं जिन्हें हम कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस धरती के चारों तरफ ब्लैंकेट के रूप में, कंबल के रूप में जो हमारा एटमॉस्फियर है वहाँ इकट्ठी होती जा रही, और धरती पर जो रेडिएशन आता है उस रेडिएशन जब धरती से टकराने के बाद वापस जाने की कोशिश करता है तो ये गैस वापस नहीं जाने देती है और धरती में इसे ट्रैप कर लेती है इस रेडिएशन को एटमॉस्फेयर के अंदर, ये जो ग्रीन हाउस गैस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है जिसकी वजह से धरती का गर्म हो रही है, या हम और साधारण भाषा में अपने बच्चों को समझाएं धरती को बुखार आ रहा है। बच्चों जब धरती को आएगा तो परेशानी होगी, मुझे और आपको बुखार आता है तो परेशानी होती है, तो ऐसे ही धरती गर्म हो रही है और उस पर जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, जो हानिकारक इंसेक्ट हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, बहुत सारी जो पर्यावरणीय परेशानियां हम और आप लोग देख रहे हैं, बेमौसम बारिश हो रही है या कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है या फिर कहीं पर सूखा पड़ रहा है या फिर ग्लेशियर पिघलने के बाद नदियों में पानी, नदियों में बाढ़ आ रही है और नदियों का पानी अंततः समुद्र में जा रहा है और समुद्र के पानी का जल स्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अगले 10 से 15 सालों में जो समुद्र तटीय शहर हैं जैसे कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई या जो अलग अलग देश हैं वो उनके संकट है, सीधे सीधे वो डूब सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और इसकी वजह से जलवायु में बहुत ही जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सर यहाँ पर हम तो बहुत ही संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ही ब्रीफ में, जैसे आप एयर की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, आपने बताया कि इतनी गैसेस हैं जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है, क्या ऐसे मेजर्स हैं जिसकी वजह से एयर की क्वालिटी को जांचा जा सकता है? बिल्कुल, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हमारी सरकारों ने पिछले सालों में ये खूब अच्छे प्रयास किए और हर शहर में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन बनाई जिन्हें हम AQI मॉनिटरिंग स्टेशन कहती है। वो हमारे आसपास की एम्बिएंट एयर क्वालिटी को मॉनिटर करती रहती है, मतलब हमारी परिवेशी हवा, मतलब परिवेशी हवा में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना सल्फर डाइऑक्साइड है, कितना ओजोन है, कितना कार्बन मोनोऑक्साइड है, कितने सल्फर पार्टिकल हैं, कितने पार्ट्स पर मिलियन जिन्हें हम PM 2.5 अर्थात जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोन से छोटा हो, या PM 10 जिनका डायमीटर व्यास ऐसे पार्टिकल जो हमें अपनी नेकेड आई से सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देते 2.5 और PM 10 वाले पार्टिकल, तो उनको ये मॉनिटर करते हैं, ऐसी डिवाइसेस लगाई गई हैं और वो हमारे आसपास के हम सब लोगों को लगातार जागरूक करती रहती हैं कि आपके शहर की हवा प्रदूषित हो गई है या दूषित हो गई है और आगे चल के आपके लिए दम घोटू सिद्ध होगी। जैसा कि हम और आप लोग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान हर बड़े शहर में, विशेषकर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ या उत्तर प्रदेश के और शहर या भारत के अलग शहरों में सुनते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब 0 एक प्रकार का एक पैरामीटर है, जैसे कि AQI अर्थात एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 है तो बहुत साफ हवा है, प्राणदायिनी हवा है, मुझे और आपको स्वास्थ्य से भरपूर रखेगी। 50 से 100 वाली भी हवा अच्छी मानी जाती है, लेकिन 100 से जब 150 वाली हवा या 100 से 200 वाली जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वाली हवा है तो कुछ हद तक इसमें प्रदूषण आ जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं से ऐसे लोग जो कंप्रोमाइज हैं, बीमार हैं, ये जिनको रेस्पिरेटरी ट्रबल है तो वो और सीवियर हो सकती है, और 200 से 300 वाली AQI वाली हवा और जहरीली हवा कहलाती है, और 300 से 400 या 400 से 500 वो दमघोटू हवा है जो मुझे और आपको कार्डियक प्रॉब्लम दे सकती है, मुझे और आपको अस्थमा दे सकती है, मुझे और आपको ब्रोंकाइटिस दे सकती है। मैं स्कूल का टीचर हूँ तो मेरे बच्चों की स्कूल की एब्सेंटेज बढ़ जाती है ऐसे महीनों में, जबकि दिल्ली या मुंबई या हमारे लखनऊ या कानपुर की हवा प्रदूषित हो जाती है, क्योंकि लोग बच्चों को फिर बाहर नहीं भेजना चाहते, घर के अंदर रखते हैं और एयर प्यूरिफायर लगा के हवा को साफ करने का एक प्रयास करते हैं, लेकिन वो एक सार्थक प्रयास नहीं है। जब तक हम और आप लोग नहीं सेंसिटाइज होंगे कि हमें और आपको एयर को साफ रखने की अपनी ड्यूटी निभानी है, ऐसे काम करने हैं जिससे हम हवा को कम से कम प्रदूषित करें, सबसे महत्वपूर्ण काम है। सर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 4 मिनट का समय और शेष है अपने सेशन के लिए। सर
जी 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 तो जैसा कि मैं वाइंड अप करूं, क्योंकि 4 मिनट के अलावा इसको पार्ट 2 में मुझे कहना पड़ेगा, लेकिन हमारे बच्चों ने अभी अभी जाना कि हमारे चारों तरफ जो वातावरण पाया जाता है वो जलवायु के नियंत्रण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मतलब एयर जो होता है, इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ द हीट, इट प्रिवेंट द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे एंड ऑल्सो स्लोज डाउन द एस्केप ऑफ हीट ड्यूरिंग द नाइट। So the atmosphere keep the average temperature of the earth fairly steady during the day and throughout the year. So आप अगर और ग्रहों की कल्पना करें रेणु जी, तो वहां पर ऐसी स्थिति नहीं है, या तो वहां बहुत ज्यादा तापमान है या बहुत कम तापमान है, माइनस के नीचे है बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पर एटमोस्फियर नहीं है। और धरती पर जीवन इसलिए है क्योंकि एटमोस्फियर है, और जब हवा गर्म होती है तो हमने सब लोग जानते हैं, हमारे बच्चे भी जानते हैं, और एक एक्टिविटी भी आपकी एनसीईआरटी की बुक में हमारे बच्चों दी है कि जब गर्म होती है हवा, तो हवा जो गर्म चीजें होती है वो हल्की होती है, ऊपर की तरफ जाती है। तो एयर व्हेन हीट इट राइजेज अप और ऊपर जाके फिर धीरे धीरे कूल होती है, और फिर उसकी जगह नीचे कूल एयर ले लेती, ऊपर जाके गर्म हवा पहुंचती। तो इस प्रकार से डे टाइम में आप देखते हो, और रात के समय में जो ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है, वार्म एयर ऊपर जाती, तो ये चक्र चल रहा होता है, और इसकी वजह से एक प्रकार की मूवमेंट आती है एयर में, और ये मूविंग एयर जो होती है उसे हम विंड कहते हैं। और हमारे बच्चे सब जानते हैं कि जो धरती पर पानी पाया जाता है वो अलग अलग प्रोसेस से भी भाप के रूप में, वाष्प के रूप में उड़ता रहता है, उसे आप या तो ट्रांसपाइरेशन के द्वारा या इवेपोरेशन के द्वारा, और वो पानी की छोटी छोटी बूंदें जब आकाश में ऊपर जाके इकट्ठी होती हैं, मिलती हैं, वो कूल और कंडेंस होती हैं, ठंडी और कंडेंस होके फिर बड़ी बूंद बनाती हैं, और धीरे धीरे फिर ऐसे क्लाउड बनता है, और फिर बारिश भी होती है। तो ये एक प्रकार का ये फिनोमिनन है जो हमारी धरती पर अलग अलग रूप से देखा जाता है, और ये स्लाइड के माध्यम से हमारे बच्चे और अच्छे से देख सकते हैं। उनकी बुक से, एनसीईआरटी बुक से ये स्लाइड ली है। और आजकल तो बारिश का पैटर्न ही बदल गया है, जैसे आपने ग्लोबल वार्मिंग की बात की थी, इसकी वजह से कई देश बहुत परेशान है, क्योंकि बेमौसम बारिश हो रही है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। और जैसे मैंने एक उदाहरण के रूप में समझाया कि जकार्ता एक इंडोनेशिया की राजधानी है, वो डूब रही है क्योंकि वो समुद्र के किनारे है। ऐसे ही मालदीव भी एक टापू है जो समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण डूबने की कगार पर है। और ऐसे ही ये साइमन कॉफी है, एक तवालू आइसलैंड की, इन्होंने जब COP26 सम्मिट हुई थी तो अपने देश से इमोशनल अपील भेजी थी वहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन में कि हमें बचा लीजिए, नहीं तो हमारा द्वीप डूब जाएगा आपकी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, बारिश बेमौसम बहुत ज्यादा हो रही है, और इसकी वजह से ऐसे देश जो समुद्र के किनारे हैं या शहर, वो डूब सकते हैं। तो ये सब स्थितियां हमारे बच्चे देख रहे होंगे, हमें हर साल चेताती है, हर साल हमें वार्निंग देती है। जी, तो सर ये तो रही वर्षा की बात, और डेफिनेटली हम आगे आने वाले सत्रों में आपसे इस टॉपिक पर, यानी कि प्राकृतिक संपदा पर, नेचुरल रिसोर्सेज पर और भी ज़्यादा जानकारी लेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा जानकारी है, और समय हमारे पास बहुत कम है, जो इस समय पर यानी कि इस सत्र में तो हम पूरा नहीं ले सकते, लेकिन आने वाले सत्रों में ज़रूर उसे पूरा करेंगे। सुशील सर, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत आभार। और अपने सभी देखने वालों को हम ये कहेंगे कि बच्चों, हम बात कर रहे थे नेचुरल रिसोर्सेज पर, और आपको हमारे एक्सपर्ट सुशील सर ने इतने अच्छे तरीके से बताया कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, और ये सीमित हैं, असीमित हैं, इनका कितना आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और कब तक यूज़ कर सकते हैं, किसी की लिमिट है कि अनलिमिटेड है। और आपको पॉल्यूशन के बारे में भी जानकारी दी गई, और हमारे प्रयास रहने चाहिए कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे आसपास हैं, हम उन्हें कम से कम इस्तेमाल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका कोई और अल्टरनेटिव हम ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी हमारी पीढ़ियाँ हैं, उन सभी के लिए ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज रहने चाहिए, और उनका भी उनका उतना ही उपयोग करने का अधिकार है जितना हम उनका उपयोग कर रहे हैं। अभी एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे हम, और ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव इंटरेक्शन के साथ हाजिर होंगे, जो कि उर्दू के 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि नवी जमात के तलबा तालिबात के लिए है, और हमारा आज का मौसू रहेगा गज़ल मजरू सुल्तानपुरी। तो आप इस सत्र में ज़रूर बने, और अभी फ़िलहाल मुझे रेणु भट्ट को दे इजाज़त, अपना साथ यूँ ही बनाए रखें। नमस्कार।